बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन पीड़िता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के आचार्य श्री विद्या का सभागार से परम पूज मनीषी के मंगल उद्बोधन मंगल प्रवचन का लाभ हमें आपको प्राप्त हो उसके पूर्व आदिनाथ चैनल पारस चैनल जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख और सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं के साथ साथ गोयल नगर और तिलक नगर दिगंबर जैन समाज का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनि श्री के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे मंगल प्रवचन के लिए। दोनों हाथ जोड़ लेंगे और मेरे साथ बोलेंगे बोलेंगे हे मुनिवर, आवाज कम आ रही है, हे मुनिवर नमोस्तो नमोस्तो नमोस्तो। और आइए गुरुवार के आशीर्वाद से हमने निवेदन किया और आप सभी की ओर से निवेदन करना चाहूँगा परम पूज मनीषीश के मंगल प्रवचन के लिए उसके पूर्व आमंत्रित करता हूँ मैं हमारे आदरणीय अशोक भैया जी व्याय संस्कार शिविर के साथ साथ सिद्ध चक्र महामंडल विधान की संक्षिप्त जानकारी हम सभी के सामने प्रेषित करें। हाँ शीघ्रता से बैठ जाएं। महिला मंडल की जो भी द्रव्य की थालियाँ लिए हैं पूजन बाद में होगी, प्रवचन के बाद पूजन होगी, तो आप लोग थालियाँ रख दीजिएगा, बैठिएगा अपने स्थान पर। जो भी जहाँ पर बैठे शीघ्रता से आइएगा बंधु, बहुत बड़े सौभाग्य के क्षण आपके बीच आ रहे हैं। आने वाले दो तीन दिनों के बाद पर्वराज पर्युषण प्रारंभ होने जा रहा है और इंदौर महानगर में पर्वराज पर्युषण के पावन अवसर पर लगने वाले श्रावक संस्कार शिविर के जो शिवरार्थी हैं, चाहे इंदौर महानगर के शिवरार्थी हों चाहे इंदौर महानगर से बाहर से आने वाले शिवरार्थी हों, सभी अपनी तैयारियों में लगे हैं, व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। इंदौर के शिवरार्थियों के किट वितरण का कार्यक्रम लगभग लगभग संपन्न हो चुका है, सभी के पास किट पहुँच चुकी है। अगर और कोई शिवरार्थी इंदौर महानगर के रह गए हैं तो वे आज और कल दो दिन में अपनी किट कार्यालय से प्राप्त कर लेंगे। बाहर से जो भी शिवरार्थी आ रहे हैं हम आपके लिए पुनः एक बार सूचित करना चाहते हैं कि बाहर से आने वाले सभी शिवरार्थियों के मोबाइल पर आपको कहाँ रुकना है उसकी लोकेशन आपके मोबाइलों पर लगभग लगभग पहुँच चुकी होगी। जो शिवरार्थी रह चुके होंगे आज लगभग हाँ सभी शिवरार्थियों के मोबाइलों पर आपकी लोकेशन पहुंच जाएगी। हमारा अनुरोध है आप ट्रेन से या जिस किसी भी साधन से इंदौर पहुंच रहे हैं तो आप उसी स्थान से अपना साधन करके टैक्सी आदि के माध्यम से जो लोकेशन है उस लोकेशन पर पहुंचें, अपना सामान वहां पर शिफ्ट करें और फिर बाद में आप यहाँ पर पहुँचेंगे। अगर किन्हीं शिवरार्थियों के लिए कोई असुविधा हो रही है, लोकेशन से आप नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो आप मोहिता भवन जंजीरवाला चौराहा यहाँ तक पहुँचें जहाँ हमारा श्री का जहां महाराज श्री का मंगल चातुर्मास चल रहा है। और लोकेशन जो आपको दिए जा रहे हैं जिस स्थान पर आपको लोकेशन जहां का दिया है वहां पर आपको रुकना भी है तो वहां के मोबाइल नंबर दिए गए हैं, वहां के मैनेजमेंट से आप बात करिएगा मोबाइल नंबर, और मोहिता भवन के भी मोबाइल नंबर हैं तो आप उन मोबाइल नंबर से बात करके और आप अपनी व्यवस्थाएँ वहाँ पर बनाइएगा। बंधुओं जैसे कि आप सभी को विदित है 8 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक पर्वराज पर्युषण का ये मांगलिक कार्यक्रम होगा। चूंकि 8 सितंबर पहला दिन होता है उत्तम क्षमा धर्म का दिन, उस दिन प्रातःकाल हमें श्री जी को विराजमान करना होता है, पात्र की शुद्धि आदि होती है, ये सारे कार्यक्रम संपन्न करना होते हैं, इसलिए उस दिन प्रातःकाल भावनायोग का कार्यक्रम संपन्न नहीं हो पाता है क्योंकि हम मंगलाष्टक अभिषेक शांतिधारा आदि सब सारे कार्य प्रातः ही करते हैं, श्री जी को आदि लाना है, सारे कार्यक्रम होते हैं। लेकिन आपको प्रातः 5 बजे प्रतिदिन यहाँ पहुँचना है, बल्कि 4:45 पर 15 मिनट आपके लिए यहाँ पर योगा छोटी सी आपके संधि संचलन का कार्य संपन्न होता है 15 मिनट में, और उसके बाद 5 बजे लगभग महाराज श्री यहाँ पहुँच जाते हैं भावना योग। 6 बजे तक 6 बजे से अभिषेक और लगभग 7:45 के आसपास शांति धारा संपन्न होती है, उसके बाद पूजन
और 8:30 बजे महाराज श्री मंच पर पहुंचते हैं। 8:30 बजे से मंच की मांगलिक क्रियाएं संपन्न होती हैं और 9 बजे से महाराज श्री का मंगल प्रवचन जो 10 बजे तक चलता है, और उसके बाद 10 लक्षण विधान वहीं से 10 लक्षण विधान हाँ संपन्न हुआ करता है। तो ये सौभाग्य आपके हाथों में होते हैं। दोपहर को आहार चर्या जो शिवरार्थियों की होती है वो 11 बजे से आहार चर्या होती है। दोपहर 2 बजे से आप पुनः आपको इस मंच पर आना होता है। 2 बजे तत्वार्थ सूत्र, 2:30 बजे से तत्वार्थ सूत्र के एक एक अध्याय का अर्थ होता है, और उसके बाद में 4:30 बजे आप यहाँ से स्वल्पाहार के लिए जाते हैं। 5 बजे पुनः प्रतिक्रमण संपन्न होगा और आपको 6 बजे यहाँ इसी स्थान पर वापस आना है गुरु वंदना के लिए और लोकप्रिय शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। तो ये आपके लिए हमने संस्कार शिविर में होने वाले प्रतिदिन के कार्यक्रमों की सूचना यहाँ पर दी है। बंधु 5 सितंबर को उसके पहले एक बहुत बड़ा आयोजन, बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। इंदौर महानगर और आसपास के लगभग 500 शिक्षक, जिसमें कुलाधिपति, प्राचार्य, संस्थापक, डायरेक्टर, चेयरमैन, शिक्षाविद और लगभग 500 शिक्षक का एक कार्यक्रम है, जो सायंकाल 5:30 पर सभी यहां पहुंच जाएंगे। 5:45 से वह कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ होगा, जो 7:20 तक चलेगा। वह विशेष सत्र होगा शंका समाधान का, तो आप सभी उसमें भी यहां पर आमंत्रित हैं। और बंधुओं विधान के लिए, जैसे कि आप सभी के लिए विदित है, आने वाले कार्तिक मास के आष्टानिक महापर्व पर 7 नवंबर से 15 नवंबर तक आयोजित होने वाले उस विधान में लगभग मंडल पुण्यार्जकों ने अपना सौभाग्य प्राप्त किया है। 8, 10, 12 के आसपास मंडल शेष रह गए। मैं एक बार पुनः अनुरोध करूंगा, पहले आइए, पहले पाइए, और यह सौभाग्य आपके लिए मिल रहा है। आप अपने परिवार के 12 सदस्यों के साथ एक मंडल का पुण्यार्जन प्राप्त करके 3,51,000 रुपए की राशि में आप प्राप्त कर सकते हैं। समिति की ओर से आवास द्रव्य, जो एक बार नहीं एक एक मंत्र के साथ 9-9 बार चढ़ाई जाती है, और वो मंत्र भी सामान्य पंडितों के मुख से नहीं बोले जाते हैं, पूज्यवर के मुखारविंद से निकले हुए मंत्रोच्चारण के साथ द्रव्य चढ़ाने का सौभाग्य आपके लिए प्राप्त होता है। और सभी पात्रों के लिए 2-2 जोड़ी हथकरघा के वस्त्रों की व्यवस्था है। कल मंडल पुण्यार्जकों की 1 से 25 नंबर तक की घोषणा ब्रह्मचारी अभय भैया जी ने की थी। आज पुनः 1 से 25 तक के जो मंडल पुण्यार्जक हैं उनके नामों की घोषणा यहां पर की जा रही है। उन मंडल पुण्यार्जकों का बड़ा पुण्य होता है जिनके लिए एक चांदी का कलश दिया जाता है, और सायंकाल शंका समाधान में एक एक परिवार के लिए प्रश्न पूछने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। एक बार पुनः जो पारस चैनल, जिनवाणी आदिनाथ चैनल आदि के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे, सुन रहे हैं, प्रामाणिक ऐप के माध्यम से आप सबके लिए भी सौभाग्य 10 दिन के श्रावक सृष्टि बनने का, जिसमें आप मंच की मांगलिक क्रियाएं, भोजनशाला और द्रव्य के पुण्यार्जक बन सकते हैं। मात्र 5 लाख रुपए की राशि से उस दिन के श्रावक सृष्टि आप होंगे। आइएगा, विधान पुण्यार्जकों के जो मंडल सुनिश्चित हैं उनकी राशि घोषणा है ब्रह्मचारी अभय भैया जी। 25 नामों की जो घोषणा कल शाम को की गई थी, आज पुनः एक बार करते हैं। आर के मारवाल परिवार, अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, श्रोमणी संरक्षक किशनगढ़, श्रोमणी संरक्षक सुरेंद्र, प्रीति जैन गुवाहाटी, चातुर्मास के यजमान मुकेश, विजय संजय पाटोदी, श्रोमणी संरक्षक असुर रानी दोषी, श्रोमणी संरक्षक हर्ष तप्ति जैन इंदौर, श्रोमणी संरक्षक योगन जी सेठी आनंद भवन, गुणायतन ट्रस्टी सुनील जी बेलाला, धर्मेन जी सिंगई, रमेश जी प्रभाजी निर्वाणा, श्रोमणी संरक्षक दिलीप जी, इंद्रा जी गोधा, श्रोमणी संरक्षक राकेश रजनी गोधा, श्रोमणी संरक्षक सिंपल अंकिता जैन परिवार इंदौर, श्रोमणी संरक्षक महेंद्र जी, सावित्री जी टाया उदयपुर, सुरेश जी निर्जा अजमेरा इंदौर, गुणायतन ट्रस्टी बाबूलाल जी सतपैया परिवार इंदौर टीकमगढ़, गुणायतन ट्रस्टी केश गार्मेंट सपरिवार इंदौर, अर्पिता सौगानी परिवार मुंबई, 2 मंडल जेएमबी परिवार इंदौर, गुणायतन ट्रस्टी हेमंत जी, करण जी पाटनी इंदौर, गुणायतन ट्रस्टी प्रदीप जी अजमेरा कोटा, श्रीमती स्वर्गीय राजेंद्र कुमार जी कटरैया, श्रीमती राजकुमार जी कोरवाई, अनंत जी सीट छावनी, गुणायतन ट्रस्टी इंदौर, बंडी परिवार राजगढ़ कोठी इंदौर, और रवीन जी IAS इंदौर, आशीष जी अग्रवाल इंदौर। ये 25 नामों की घोषणा की गई है। शेष नामों की घोषणा शाम को और कल की जाएगी। जोरदार इन मंडल पुण्यार्जकों के लिए ताली बजाइए, और आइए आप सभी की ओर से परम पूज मुनिवर से निवेदन है, अपनी दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी को सदुपदेश देकर सभी का मार्ग प्रशस्त करें। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे, बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस त्याग।
अड़मो श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी में जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री निर्वेक्षक संधान सागर जी महाराज की, नमोस्तु गुरुवर। भक्ति मुक्ति का आधार है। कहने को वह एक रागान्वित वृत्ति है, लेकिन यह राग भी हमें भाव सागर से पार उतारने वाला है। गुरुदेव ने एक जगह बहुत अच्छी बात लिखी कि संत जनों का राग भी हमें भाव सागर से पार उतारता है, गर्म पानी में भी आग को बुझाने की क्षमता होती है। भले यह पानी गर्म है, पर गर्म पानी अगर आग में डाले तो आग बुझ सकती है। अपने अंतरंग में इस बात को अवधारित करते हुए हमें भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। भक्ति दो प्रकार की है, एक क्रियात्मक भक्ति और दूसरी भावात्मक भक्ति। क्रियात्मक भक्ति बाहरी भक्ति है और भावात्मक भक्ति आंतरिक या असली भक्ति है। मेरी क्रिया की भक्ति तो सबको दिख जाती है, अंतर की भक्ति का आभास तो केवल खुद को होता है। अंतर की भक्ति यानी अनुराग की प्रगाढ़ता। जितनी अधिक प्रगाढ़ता होगी भक्ति उतनी अधिक बढ़ेगी। एक ऐसा आकर्षण जो पूरी तरह से अपनी ओर खींच ले, और न केवल खींचे अपितु
पूरी तरह उसका ही बना दे। जिस दिन ये परिणति हो जाए उस दिन जीवन का कायाकल्प हो जाए। अपने अंतरंग में ऐसी ही भावधारा को बढ़ाने का सत प्रयत्न होना चाहिए। अरहत भक्ति और आचार्य भक्ति की चर्चा विगत दिनों हुई। शेष दो भक्तियां हैं, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति। बहुश्रुत अर्थात जो विशिष्ट ज्ञानी मुनिराज है, ऐसे देखा जाए तो श्रुत के पारंगत तो श्रुत केवली भगवान होते हैं, पर वर्तमान में उनका हमें सानिध्य नहीं। तो कौन जो उपाध्याय हैं? उपाध्याय भी सब तरफ सुलभ नहीं, तो कौन जो शास्त्रों के पारगामी हो, सिद्धांत के पूर्ण ज्ञाता हो, यदि वो भी सुलभ नहीं तो कौन? जिनके अंदर हमसे अधिक शास्त्रीय ज्ञान हो, वे सब बहुश्रुत की श्रेणी में आते हैं। बहुश्रुतत्व जो मेरे गुण से अधिक हैं, उन सबको बहुश्रुत मानना। अगर बहुश्रुत का अर्थ हम उपाध्याय या सिद्धांत के पारगामी को ही लेंगे तो चले जाएंगे। धवला में एक प्रसंग आया कि आज उपाध्याय की बात करें तो उपाध्याय के तो 25 मूल गुण हैं, 11 अंग और 14 पूर्व, तो फिर तो कोई उपाध्याय बचेंगे ही नहीं है क्या? अरे नहीं है। तो क्या करें फिर? अरहंत सिद्ध की तरह उपाध्याय से भिन्न मान ले? बोले ऐसी गड़बड़ मत करना। बोले क्या है? उपाध्याय कौन? जो वर्तमान में उपलब्ध शास्त्रों के ज्ञाता हों, वो उपाध्याय की श्रेणी में आते हैं। जो रे नत्ते जित्तो निच्चम धम्मो देशने निर्दो सो उजायो अप्पा जदिवर वश हो नमो तस्स। जो रत्नत्रय से युक्त होकर नित्य ही धर्मोपदेश में निरत है, वह आत्मा उपाध्याय है, उन्हें मेरा नमस्कार हो। बहुश्रुतत्व के साथ केवल ज्ञान नहीं, आचरण भी होना चाहिए। यहां बहुश्रुत भक्ति का तात्पर्य किसी पंडित के बहुमान की नहीं है। यहां बहुश्रुत भक्ति का आशय उस ज्ञानी मुनिराज की भक्ति और वंदना से है, जो निरंतर रत्नत्रय का आराधन करते हुए औरों को रत्नत्रय के उपदेश देते हैं, रत्नत्रय का उपदेश देते हैं, रत्नत्रय में आगे बढ़ने का पाठ पढ़ाते हैं उनसे। और एक बात विशेष है, सच्चे अर्थों में उपदेश देने का अधिकारी वही है जो खुद उसका अनुपालन करता है। धवला में एक जगह प्रसंग आया, देवों के पास इतना ज्ञान है, वो उपदेशक क्यों नहीं? तो वहां उत्तर दिया, देवेशु तीरण उयेस अहियारा भावातो। देवों को रत्नत्रय के उपदेश देने के अधिकार का अभाव है,
देव रत्नत्रय का उपदेश नहीं दे सकते। बोले क्यों? तत्थ चरित्ता भाव, वहाँ चरित्र का अभाव है, वो सब सुखिया जीव हैं, वहाँ त्याग संयम नहीं है। संयम लेसा अपि तत्र न संभवति, संयम का लेस भी उनके पास नहीं। तो जिसके पास खुद संयम नहीं, वो दूसरों को संयम का पाठ क्या पढ़ा पाएगा? जो खुद चरित्र को अंगीकार नहीं किया, वो दूसरे को चारित्र के मार्ग पर आगे कैसे बढ़ा पाएगा? इसलिए देवों को रत्नत्रय के उपदेश के अधिकार से वंचित बताया। तो वो मुनि जो न केवल ज्ञान के अधिकारी हैं, अपितु ज्ञान के साथ साथ आचरण भी करते हैं, वे बहुश्रुत हैं, जो सबके वंदना भक्ति आराधना उपासना के सुपात्र हैं। बहुश्रुत कौन, ये तो जान लिए। बहुश्रुत की भक्ति क्यों करना? ध्यान रखना, ज्ञानी के बहुमान के बिना ज्ञान का बहुमान नहीं होता, और ज्ञान के बहुमान के अभाव में ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती। आपको किसी से ज्ञान चाहिए तो उसका बहुमान करना होगा। बिना बहुमान के, बिना विनय भक्ति के ज्ञान का उपार्जन असंभव है। और हम जिनकी भक्ति कर रहे हैं, उनका हम पर उपकार कितना है। उन्होंने हमारे अंतर की आंखें खोली है, उन्होंने हमें दिशा दी है, दृष्टि दी है, उनके कारण हमारा मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसलिए उनका बहुमान तो हमें विशेष रीत्या करना ही चाहिए। ज्ञान चाहिए तो ज्ञानी का बहुमान कीजिए। विनय और बहुमान से ज्ञान की वृद्धि होती है। जो हमें मार्ग दिखाते हैं, उनके चरणों में सदा नतशीश रहा जाता है। आप लोग कहते हैं अज्ञान तिमिरांधाना ज्ञानान जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान के अंधेरे में फंसे हुए, अज्ञान से जिनकी आंखें अंधी हो गई, ऐसे अज्ञानी पुरुषों को जिन्होंने ज्ञान की अंजन शलाका से नेत्रों को उन्मीलित किया है, ऐसे श्री गुरु को मेरा नमन हो, नमस्कार हो। ये क्यों? क्योंकि ज्ञानी हमें दिशा देते हैं, दृष्टि देते हैं। ये बहुश्रुत की भक्ति, उनका विनय बहुमान हमें करना चाहिए। और साथ में है प्रवचन भक्ति। प्रवचन भक्ति मतलब प्रवचन की भक्ति। प्रवचन क्या है महाराज? जो आप सुना रहे वो प्रवचन है ना? हाँ, ये प्रवचन है। ध्यान रखो, प्रकृष्ट वचन को प्रवचन कहते हैं। प्रकृष्ट वचन को प्रवचन, जो भगवान की वाणी है वही प्रवचन है। और हम लोग भी आपको प्रवचन सुनाते हैं तो अपनी बात नहीं सुनाते, जो बात हमने भगवान की वाणी में पढ़ा है और उस वाणी के आधार पर गुरु के मुख से सुना है, उसे ही आप तक पहुंचाते हैं, इसलिए प्रवचन कहलाता है। वो बात वहां से आई, उसे हमने आप तक पहुंचाया, इसलिए प्रवचन है। ये प्रवचन
इस प्रवचन के प्रति भक्ति होनी चाहिए। आजकल प्रवचन भक्ति का अर्थ बहुत उथला हो गया है। प्रवचन भक्ति का अर्थ यानी शास्त्र की भक्ति, शास्त्र की भक्ति यानी शास्त्र का विनय करना, शास्त्र में अच्छे जिल्द चढ़ाना, उसे अच्छे से अलमारियों में रख देना, समय समय पर धूप दिखाना और उसको अर्घ चढ़ा देना, इसे ही लोग शास्त्र की भक्ति मान लेते हैं। इतना मात्र प्रवचन भक्ति या शास्त्र भक्ति का अर्थ नहीं है। प्रवचन भक्ति क्या है? जो बात प्रवचन में कही गई है उस पर गाढ़ श्रद्धा रखते हुए उसे अपनाने का उत्साह बनाए रखना ही प्रवचन भक्ति है। उसके विरुद्ध आचरण करने से मन में कंपन आना प्रवचन भक्ति है। कुछ भी हो जाए मुझे इसका उल्लंघन नहीं करना है, ऐसी सोच जगना ही प्रवचन भक्ति है। आज हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आज हमें भगवान के द्वारा कथित वाणी को पढ़ने और सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। भगवान ने जो कुछ कहा, हमारे गणधर परमेष्ठियों ने उसे ग्रहण किया और शब्दों की माला में पिरोकर ग्रंथ के रूप में हमें प्रदान किया। वही वाणी परंपरा क्रम से आज हम तक आई है। भगवान ने जो बोला वो ध्वन्यात्मक था, गणधरों ने उसे शब्दात्मक रूप में लिया और एक लंबे समय तक यह केवल परंपरा से चलती आई, गुरु शिष्य परंपरा से। गुरु ने शिष्य को दिया, शिष्य ने गुरु और अपने प्रशिष्य को दिया, एक दूसरे के प्रवाह क्रम से ये चलता रहा और चलता रहा। भगवान महावीर के बाद 3 केवली हुए, उसके बाद 5 श्रुत केवली हुए, श्रुत की परंपरा वहाँ तक निर्बाध आई। श्रुत केवलियों के बाद कुछ महामुनिराज हुए, उन तक ये बातें आई, पर धीरे 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 ये परंपरा छीन होने लगी और छीन होते हुए ये परंपरा बहुत अंश मात्र में आचार्य धरसेन तक आई। जब उनके पास कुछ भी नहीं बचा, द्वादशांग में अंतिम अंग दृष्टिवाद अंग के महाकर्म प्रकृति के एक अंश मात्र का ज्ञान उनके पास था। उन्होंने सोचा ये तो अब सब छीन होगा, अब इसे लिपिबद्ध कराना चाहिए। और तब पुष्पदंत और भूतबली महाराज को उनने अपना ज्ञान दिया। महाराज ने उनको जो ज्ञान गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ उसे लिपिबद्ध किया, षटखंडागम के रूप में लिपिबद्ध हुआ। उसी समय गुणधर आचार्य ने कसाय प्राभृत नामक ग्रंथ को रचा और लगभग उसी समय आचार्य कुंद जैसे महान आचार्य ने समय सार आदि ग्रंथों को लिपिबद्ध किया। ये बहुत बड़ा उपकार है। उससे पहले केवल सॉफ्ट कॉपी थी, हार्ड कॉपी नहीं थी, और उसमें वायरस लगते 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 चीज़ें डैमेज हो रही थी। द्वादशांग का ये महासागर छीन होते होते बहुत थोड़े में रह गया। महान उपकार है कि उनने उस सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदल दिया और आज हमें ये ग्रंथ सुलभ है। ये ग्रंथ सुलभ है,
उसके बाद भी हमारे बहुत सारे ग्रंथ नष्ट भ्रष्ट हुए, जला दिया गया, होली जलाई गई। फिर भी हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे पास बहुत कुछ है, इतना है जिससे हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। कितने महान महान आचार्य हुए जिन्होंने अपनी साधना के काल से समय निकालकर हम पर करुणा करके लिखा। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, भव्य जन बोहन अट्ठम, भव्य जीवों को बोध देने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, भव्य जीवों के कल्याण के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। ये उनकी करुणा थी, जिस करुणा पूरित दृष्टि से उन्होंने ऐसे ग्रंथों का प्रणयन किया और आज वह प्रवचन शास्त्र के रूप में हमारे पास सुलभ है। अभी मैं आश्रम गया कुंद कुंद भारत ज्ञानपीठ में गया, भूवलय ग्रंथ के बारे में आज विस्तृत जानकारी ली, मन मुग्ध हो उठा। कुमदेन्दु आचार्य कितने ज्ञानी होंगे आप कल्पना कर सकते हैं, जिसका केवल भी जिसमें 59 अध्याय और 60,000 कहते उसके तो 9 खंड थे, और अक्षर को अंक लिपि में लिखा ओठ से, और डिकोडिंग करते हैं तो सीधे पढ़ने में अलग श्लोक, उल्टे पढ़ने में अलग श्लोक, खड़े पढ़ने में अलग श्लोक, तिरछे पढ़ने में अलग श्लोक, 20 से पढ़ने में अलग श्लोक, और अलग अलग अर्थ है। कल्पना करो कैसी अद्भुत प्रतिभा रही होगी, और श्रुत का भंडार कितना विशाल। उस श्रुत की, उस प्रवचन की भक्ति करने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो रहा है। आप थोड़ा सोचो कितनी भक्ति है तुम्हारे हृदय में जिनवाणी के प्रति, शास्त्र के प्रति, प्रवचन के प्रति, कभी सोचते हो? प्रवचन को, भगवान की वाणी को अपने लिए कल्याणी मानो और रुचि पूर्वक उसे सुनो और शक्ति के अनुसार ग्रहण करने का भाव करो। कदाचित ग्रहण न भी करो तो शास्त्र विरुद्ध आचरण से बचने का प्रयास करो, और यदि कदाचित नहीं हो पाए तो मन में आत्मग्लानी हो, इसी का नाम प्रवचन भक्ति है। जो बातें शास्त्र में निषिद्ध है वो काम मुझे नहीं करना, यही प्रवचन भक्ति है। ऐसी भक्ति का भाव अंतरंग में उद्भावित होना चाहिए, जागृत होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए। ऊपर ऊपर की बातें तो सब कर लेते हैं, गहराई में उतरने का भाव बिरले किसी के मन में होता है। अपने अंदर वो गहराई जगाना चाहिए। बहुत थोड़ा बचा है, बाकी तो सब चला गया, लेकिन जो बचा है वो भी अगर हमने ठीक तरीके से संभाल लिया तो हमारा बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है, लाभ हो सकता है। तो शास्त्र को पढ़िए, जिनवाणी की विनय कीजिए, प्रवचन की विनय कीजिए। आप लोग प्रवचन सुनते हो लेकिन प्रवचन की विनय और भक्ति कितनी, बस फॉर्मेलिटी बना दिया आपने, ये एक औपचारिक क्रिया मात्र हो गई। कायदे से मंगलाचरण से पूर आना चाहिए, मंगलाचरण भी छोड़ो, जिनके मुख से आप सुनना चाहते हैं उनके पहुंचने से पहले आपको आना चाहिए, और जिनवाणी स्तुति के बाद अपना स्थान छोड़ना चाहिए। ये प्रवचन भक्ति है। तुम लोग प्रवचन सुनने आते हो, किस लिए आते हो, कभी सोचा? मैं गुरु मुख से अपने कल्याण की वाणी सुनने आया,
यही सुनने आते हैं ना। मैं तो कहता हूँ आप लोग प्रवचन सुनना बंद कर दीजिए, प्रवचन सुनने से आपका कल्याण नहीं होने वाला। महाराज क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, प्रवचन सुनने से आपका कल्याण नहीं होने वाला, क्योंकि आपके नज़र में प्रवचन एक कार्यक्रम है, आप प्रवचन सुनते नहीं, अटेंड करते हो। क्या करते हो? अटेंड करते हो। प्रवचन एक कार्यक्रम बना दिया आपने, और जब तक प्रवचन एक कार्यक्रम के रूप में देखोगे तो तुम तो कार्यक्रम को तो कार्यक्रम है, प्रोग्राम तो प्रोग्राम है, अटेंड करोगे, उसमें शामिल होगे, उसमें शरीक होगे, और वो एक घंटे की क्रिया मात्र बन के रह जाएगी, और उसके बाद उठोगे और चले जाओगे। आज महाराज ने बहुत अच्छा प्रवचन दिया, अरे आज तो जबरदस्त प्रवचन दिया, मज़ा आ गया, आज ने बहुत बढ़िया प्रवचन दिया, अरे क्या बोला ये तो महाराज जाने, ये तो महाराज जाने। क्यों? हमारा काम था अटेंड करना, हमने अटेंड कर लिया नहीं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, आप सब लोग प्रवचन सुनना बंद कर दीजिए, जो प्रवचन सुनेंगे उनका कल्याण नहीं होगा। तो महाराज आप सुना क्यों रहे हैं? हम प्रवचन थोड़ी दे रहे हैं, हम प्रवचन नहीं दे रहे। आप प्रवचन को प्रवचन के रूप में लीजिए ही मत, इसे मेरे गुरु के द्वारा मेरे लिए दिया जाने वाला मार्गदर्शन मान करके सुनिए, सीधे जेहन में उतरेगा। प्रवचन सामूहिक दिखता है, मार्गदर्शन इंडिविजुअल होता है। महाराज अब तो हम मार्गदर्शन ही लेने आएंगे, आप रोज टाइम दे दिया करो, तो मुझे फिर किसी से मार्गदर्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, और हो सकता है किसी ऐसे की शरण में आया ना पड़े जो मेरा दिमागी संतुलन ठीक कर पाए। अगर एक एक को अलग अलग से मार्गदर्शन देने लगूँ तो कैसे संभव है, तो वो व्यवस्था तो संभव नहीं। लेकिन सामूहिक बात को भी व्यक्तिगत मानना ही तुम्हारी भक्ति है। इस सामूहिक है ठीक है, लेकिन सबके लिए नहीं है, मेरे लिए हो रहा है। गुरु मुख से बात निकल रही है किसी गैर के लिए नहीं, केवल और केवल मेरे लिए। मैं तो अपने कल्याण के लिए आया, इधर उधर के लिए थोड़ी आया हूं। ये सोच करके सुनोगे तो बस मुग्ध होगे, अंदर से गदगद का भाव होगा, नहीं बिल्कुल सही है, मुझे यही करना, मुझे यही करना। मैं देखता हूं कई लोग जब प्रवचन सुनते ना तो हमारी बातें आती है तो इधर उधर देखते हैं, माने उनको लगता है महाराज ये उसको बोल रहे हैं, हमें नहीं बोल रहे हैं। होता है? यही कमजोरी है, इस कमजोरी से बाहर निकलिए। प्रवचन भक्ति की महिमा अद्भुत। एक आचार्य ने बड़ी गहरी बात लिखी, सोमदेव सूरि ने, क्या पद्मनंदी पंचविशत काम है, उन्होंने लिखा कि तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्ताप हिश्रुता निश्चितम स भवेद भव्य भावी निर्वाण भागिना। जो भगवान की वाणी को प्रीति चित्त से प्रेम पूर्वक उमंग से भरकर सुनता है, वह व्यक्ति भावी निर्वाण का भागी निश्चित रूप से भव्य होता है। तत्व के प्रति प्रीति तुम्हारी भव्यता की पहचान बन सकती है। एक शब्द भी न छूटे, कहीं देर ना हो, पर अपनी रुचि को देखो। कभी कोई मूवी देखना हो तो 5-10 मिनट पहले पहुंच जाओगे कि 1 सेकेंड का भी छूटना नहीं चाहिए। अप्रवचन, अप्रवचन तो महाराज ने कहा था एक दिन कि एक वाक्य भी सुन लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, आखिरी आखिरी का सुन, है ना, आखिरी आखिरी का सुन लेंगे
तो भी काम हो जाएगा। कैसे काम होगा? रुचि होनी चाहिए, तब आपका भाव जगेगा। अंतस में ऐसी रुचि ही भक्ति को बढ़ाएगी, भक्ति को जगाएगी, और उसमें ही अपना उत्थान होगा। रुचि जगाइए। आप सड़क पर चलते हो, जगह जगह साइन बोर्ड लगे होते हैं, उसमें अनेक प्रकार के संकेत लिखे होते हैं, अंकित होते हैं। आप जब अपनी गाड़ी चलाते हो तो उसको पूरी तरह फॉलो करते हो कि नहीं करते? हाँ, फॉलो करते हैं। क्यों करते हो महाराज? फॉलो करना जरूरी है, इसमें जो संकेत है बिल्कुल सही संकेत है, ये बता रहा है कहाँ अप है, कहाँ डाउन है, कहाँ यू टर्न है, कहाँ एन टर्न है, कहाँ एस टर्न है, कहाँ स्पीड ब्रेकर है। ये हमें फॉलो करना जरूरी है, यदि इसको फॉलो नहीं करेंगे तो दुर्घटना होगी, है ना? तो आप लोग बहुत समझदार हो, जितने भी साइन बोर्ड हैं, जितने भी मार्ग सूचक पट हैं, आप उनका पूरी तरह से अनुकरण करते हो, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। मैं आपसे कहता हूँ, हमारी जिनवानी भी जो है ना, वो कुछ नहीं है। ये मोक्ष मार्ग पर चलने वाले पथिकों को वह दिशा पट्टिका है, वो मार्ग सूचक पट है, जो हमें बताती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, कितना चल चुके हो, कितना और चलना है, आगे का रास्ता कैसा है, तुम्हें कहाँ मुड़ना है, कहाँ रुकना है, कहाँ तुम्हें रास्ता बदलना है, ये सब कौन बताते? जिनवान। ध्यान रखना, रास्ते पर चलते हुए यदि आप चूक जाओ, दुर्घटना भी घटे, तो ज़्यादा होगा तो केवल एक जीवन की क्षति होगी, पर मोक्ष मार्ग में भ्रष्ट होने वाले भाव भाव में नुकसान पाते हैं, क्षति पहुँचती। तो ऐसे भाव उद्धारक मार्ग को हमें कभी छोड़ना नहीं, उसका अनुकरण करना और प्रवचन के प्रति भक्ति का भाव अपने अंतरंग में रखना, शास्त्र कथित बातों को अच्छे से समझना और समझकर उसे स्वीकार करना। एक बात इस संदर्भ में और कहूँगा, शास्त्र भक्ति के प्रति आज एक सावधानी और जरूरी है। प्रायः हम लोगों के मन में जिनवानी के प्रति श्रद्धा होती है और जिनवानी की बात को प्रमाण मानते हैं और उसे अपनाना पूरी तरह चाहते हैं, लेकिन मैं एक विशेष बात की तरफ आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि हमें जिनवानी का पूर्ण बहुमान करना है, लेकिन एक सावधानी भी रखनी है कि आज के इस दौर में बहुत सारी ऐसी बातें जिनवानी में मिश्रित हो गई जिसका जिनवानी से कोई संबंध नहीं था। एक इतिहास की बात आप सबको बताना चाहता हूँ, ये जानकारी आप सबके अंदर होनी चाहिए ताकि आप अपना मार्ग स्पष्ट कर सकें और किसी तरह के भ्रम जाल में फंसने से बच सकें। वो क्या है? भगवान महावीर के निर्वाण के उपरांत संघ भेद हुआ और हमारे मूल संघ के चार मुख्य संघ हुए, देव संघ, सिंह संघ, नंदी संघ और देव संघ, सिंह संघ, नंदी संघ और सेन संघ, सिंह देव मूल संघ के भेद हुए। कालांतर में
अपने संघ में कुछ ऐसे संघ हुए जिन्हें जैना भाषी की संज्ञा दी गई, वे द्रविड़ संघ, यापनी संघ, माथुर संघ और काष्ठा संघ। ऐसे अन्य भी अनेक उपसंघ हुए जो इतिहास में लिखे हुए। इन संघों में अनेक बड़े बड़े मुनि हुए, आचार्य हुए, जो संस्कृत प्राकृत और सिद्धांत के पारगामी हुए। उनके द्वारा निबद्ध ग्रंथ आज भी सुलभ है, लेकिन इनकी कुछ मान्यताएं ऐसी थी जो मूल संघ के मान्यताओं के विरुद्ध थी। इसलिए हमारे आचार्यों ने इन्हें जैना भाषी कहा और ये लिखा कि इनके द्वारा रचित ग्रंथ प्रमाण नहीं है। और इंद्र नंदी आचार्य ने अपने नीति सार में तो ये तक लिख दिया कि इनके द्वारा प्रतिष्ठापित प्रतिमाएं भी पूज्य नहीं है। मूल संघ के महान आचार्य थे इंद्र नंदी, जिन्होंने श्रुतावतार भी लिखा। उन्होंने लिख दिया कि जैना भाषियों के द्वारा रचित ग्रंथ प्रमाण नहीं, उनके द्वारा प्रतिष्ठापित मंदिर भी पूजनीय नहीं है और इनके साथ वंदना नमोस्तु आदि का व्यवहार भी नहीं होता। मैं आप सबको ज़्यादा उलझाना नहीं चाहता, पर मैं ये कहता हूँ कि वर्तमान में हमारे पास जो भी ग्रंथ हैं वो सब प्रकार के आचार्यों के द्वारा रचित है। ये तो हमारे विद्वानों का हम पर बड़ा उपकार है कि उन्होंने सब ग्रंथों को अच्छे तरीके से संपादित किया शोध खोज के साथ, और प्रायः हर ग्रंथ के मूल इतिहास को खोल कर रख दिया कि ये आचार्य किस संघ के थे। इसी में कई मान्यताएं निकली और उस मान्यता भेद के कारण आज हमारे समाज में कई तरह की बातें आने लगी। मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूँ, समय हमारे पास कम है। जिनसेन आचार्य नाम के दो आचार्य हुए, एक आदि पुराण के कर्ता आचार्य जिनसेन जो मूल संघ के आचार्य थे। इनका पता उनके द्वारा लिखित पट्टावलियों से होता है जहाँ वो मंगलाचरण आदि में करते हैं। और दूसरे जिनसेन हैं हरिवंश पुराण के कर्ता जो पुन्नाट संघी, जो काष्ठा संघ की एक शाखा थी। दोनों आचार्यों ने भगवान ऋषभ देव के जन्माभिषेक का वर्णन किया। आदि पुराण के कर्ता जब भगवान ऋषभ देव का जन्माभिषेक का प्रसंग लिख रहे हैं तो वो लिखते हैं, सौधर्म और ईशान इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया, अन्य देव सहायक बने और देवियां मंगल पात्र लिए खड़ी थी। ये किसने लिखा, बात समझ रहे ना मेरी? यही गफलत है। और ऐसा एक नहीं, अगर मेरे पास समय हो तो मैं ऐसे सैकड़ों प्रसंग ला करके आप सबके सामने रख सकता हूँ।